बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एक्सपोज इंडिया में खुश आमदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज दुनिया भर के कश्मीरी और पाकिस्तानी कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलहाक का दिन मना रहे हैं। आज का दिन 19 जुलाई 1947 को बानी कश्मीर सरदार इब्राहिम खान साहब के घर में कश्मीर के असल नुमाइंदों ने, जो जेन्युइन नुमाइंदे थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सरदार इब्राहिम खान साहब के घर में बैठ कर कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ इलहाक की करारदाद पास की। और जिन चीज़ों को मद्देनजर रखा गया, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था मजहब, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का मजहब था उसको सामने रखा गया, उसके तहत यह इलहाक किया गया, पाकिस्तान के साथ इलहाक किया गया। उसके बाद कल्चर, के बाद कल्चर को, और सबसे बढ़कर कश्मीर के लोगों की दिलों की तर्जुमानी करते हुए ये करारदाद जो है ये मंजूर की गई, ये पास की गई। और ये करारदाद उस वक्त पास की गई जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के वजूद में आने में भी एक महीना बाकी था। जुलाई के अंदर 19 जुलाई को यह करारदाद पास की गई, फिर अगस्त में पाकिस्तान और भारत जो है वो दुनिया के नक्शे पर नमोदार हुए, फिर उसके बाद अक्टूबर 27 अक्टूबर को जिस तरीके से भारत ने कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया कश्मीर में, वो बाकी की दास्तान जो है उसके बाद की। आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम का के आगाज में गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए मेरे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, मेंबर है कौमी असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और कश्मीर कमेटी के भी ये मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा ने, मेंबर हैं कौमी असेंबली की और कश्मीर कमेटी की भी मेंबर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से मैं नौरीन फारूक इब्राहिम साहबा से प्रोग्राम का आगाज करूंगा। मैडम, सबसे पहले तो आपके घर की बड़ी कुर्बानियां हैं इस हवाले से, और बड़ा अहम किरदार है आपकी फैमिली के इस हवाले से, तो जरा बताइएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था आज के दिन 1947 को, क्या हुआ था आपके घर जिसके बाद ये करारदाद पास की गई, और किन चीजों को मद्देनजर रखा गया? जी, बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाजी मिल्लत जनाब सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब 19 जुलाई से पहले एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कश्मीर की सियासत में। वो चीफ व्हिप थे उस वक्त की जो उनकी असेंबली थी, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों पे इस कदर ज्यादा जुल्म सितम हो रहा है, और डोगरा राज जो थे उन्होंने बिल्कुल ही मुसलमानों को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था, तो इसके खिलाफ उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि एक पैरेलल पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग के साथ साथ, उसको उन्होंने कश्मीर में बरकरार रखा, और उसका इजलास वो बुलाना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि उन दिनों डोगरा राज को ये हकीकत पता चल गई थी कि मुसलमान जो हैं वो अपनी कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था, और किसी किस्म का किसी जगह पे भी दफ्तर में किसी किस्म की मीटिंग पे पाबंदी थी। तो इन हालात के मद्देनजर रखते हुए सरदार साहब ने अपने घर में ये इजलास बुलाया, आदि गुजर श्रीनगर में, जहां पर तमाम लीडरान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आए, और उन्होंने मुत्तफिका तौर पर इल्हाक पाकिस्तान किया कश्मीर के साथ। अब ये देखें आप कि ये 25 दिन पहले पाकिस्तान बन, 14 अगस्त से 25 दिन पहले ही ये कश्मीरियों के मुसलमानों का ये जो फेट था वो डिसाइड हो गया था कि ये इल्हाक पाकिस्तान के साथ इसका एक्सेशन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। और मैडम, मुझे बताइएगा कि वो क्या चीजें थी, अगर उन्होंने कभी आपको बताया हो कि उस दिन हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन से नामवर लोग थे जो उस वक्त उनके घर में मौजूद थे, और किन चीजों को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये फैसला किया कि कश्मीर के लोगों का जो असल घर है वो पाकिस्तान है, उनको पाकिस्तान के साथ इलहाक की बात, क्या क्या चीजें थी जिनको उन्होंने मद्देनजर रखा उस दिन? वो जो मुझे, मेरी याददाश्त है, जितना मुझे याद पड़ता है, वैसे तो उनकी किताब भी हमने पढ़ी है, इस मुझे सही जहन में वो तादाद नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है 22 के करीब लीडरान थे उस वक्त, लेकिन ज्यादातर को उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया हुआ था। तो सरदार साहब को भी ये खदशा था कि मुझे भी ये लोग हाउस अरेस्ट करेंगे, क्योंकि सून आफ्टर दिस मीटिंग उन्होंने सरदार साहब के खिलाफ वारंट जारी कर दिए थे कि जिस घर में भी ये छुपे होंगे इनको हम पकड़ के ले जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि बाकी, क्योंकि लीडरान को भी उन्होंने नजरबंद किया हुआ था, तो उनका ख्याल था कि कहीं मैं भी बाकियों की तरह जेल में एंड अप ना कर जाऊं। तो इस 19 जुलाई के बाद उन्होंने बॉर्डर का क्रॉस ओवर किया था,
और वो फिर पाकिस्तान की तरफ एबटाबाद चले गए थे। वहां से फिर उन्होंने अपनी 50,000 की सिविलियन फौज तैयार की थी, जिसके बाद वो डोगरा के सिपाहियों को और उनकी जितनी भी जो फोर्स थी उसको पीछे धकेलते हुए वो श्रीनगर के बॉर्डर तक चले गए थे। बिल्कुल ठीक। और वहां पर फिर उन्होंने मदद चाही थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौज से, क्योंकि उस वक्त उनका जो असलाह था वो सब खत्म हो चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के हालात थे, जो पाकिस्तान की फौज के हालात थे, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो उनको हेल्प दे सके। तो वहां से श्रीनगर से जरा पीछे उन्होंने वापस आके ये 13,800 कुछ स्क्वायर माइल्स का जो जितना भी रखता है इसको आजाद कश्मीर अनाउंस किया, और फौरन वो वापस आए, सीज फायर लाइन अनाउंस हुई और तराड़ खल को उन्होंने अपना दारुल हुकूमत बनाया, उसका कैपिटल बना था आजाद कश्मीर। बिल्कुल ठीक। मैडम आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा, मैं चीमा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। चीमा साहब, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से, बड़ा अहम दिन है कश्मीरियों के हवाले से, आप कश्मीर कमेटी के मेंबर होने के नाते कश्मीरियों के तर्जुमान भी हैं, तो सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से आप क्या क्या बात करेंगे? देखिए, जिस तरह हमारी बहन मोहतरमा नौरीन फारूक ने बताया कि इस दिन इनके बुजुर्ग सरदार इब्राहिम खान साहब के घर में वो जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सारे जोमा जमा हुए और उन्होंने इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, ये बहुत बड़ा एक संगे मील है। इनके घर की, इनके हमारी बहन नौरीन के घर की, इनके बुजुर्गों की बहुत काबिल कदर खिदमत है तहरीक आजादी कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए। देखें, बात यह है कि उस वक्त कश्मीरी जो थे वो उनका एक ग्रुप जो था वो कांग्रेस का साथ दे रहा था, नेहरू के साथ, पंडित नेहरू के साथ, शेख अब्दुल्ला के जाती ताल्लुकात थे। बिल्कुल ठीक। जो भी सूरत हाल थी वो उन्होंने जो ग्रुप था वो फोरम जो इस्तेमाल कर रहे थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम इस्तेमाल कर, जो आज भी ये आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर में एक है, एक जी जिन्होंने मकबूजा कश्मीर का बेसिकली बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश, बेड़ा गर्क किया, जी बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके मुकाबले में जो कायदे आजम का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मुस्लिम लीग के नुकता नजर के हामी थे, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम थे जिनकी सरबराही जो थी चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम के हाथ में थी। और डॉक्टर साहब व्यूअर्स के लिए मैं इसमें आपकी बात में एक एडिशन भी कर दूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कायदे आजम ने मुस्लिम लीग की जमात का ही एक किस्म का दर्जा दिया था, उन्होंने कहा था इसके मुकाबले में कोई जमात जो है वो कश्मीर में नहीं बनेगी। जी जी बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई और उस वक्त और मुद्दत तक वहाँ पे मुस्लिम लीग कायम नहीं की गई। जी बिल्कुल सही है, कायदे आजम का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। जी जी बिल्कुल, पैरेलल पार्टी। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और वहाँ मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही करती रही थी। बिल्कुल। और जिस तरह ये मैंने कहा, जिस तरह की ये बहुत बड़ा संग मील था जो सरदार इब्राहिम खान साहब के घर में वो जो सारे दो माह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इकट्ठे हुए और उन्होंने जाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। देखें, बात यह है कि कश्मीर जो है उसको कायदे आजम ने खुद शारक कहा, पाकिस्तान की शारक। कितने बड़े वो दूर अंदेश और विजनरी लीडर थे, इस तरह के वाकई लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं, ये जिनको पता था कि ये जो इसकी हैसियत क्या है। देखें, कश्मीर के साथ हमारे जो है सिर्फ ये है कि ये कोई तारीखी जोग्राफियाई रिश्ते नहीं है, सिर्फ नजरियाती रिश्ते नहीं है, सिर्फ सकाफती रिश्ते नहीं है, मजहबी रिश्ते, दीनी रिश्ते, इस तरह के रिश्ते के आज देखें मकबूजा कश्मीर, आपको पता है कि 70 साल से ज्यादा हो गए हैं कि वो अपने उस हक के लिए, हक खुदरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं जिसका वादा पूरी आलमी बिरादरी उनसे कर चुकी है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल कई रेजोल्यूशन पास कर चुकी और उन रेजोल्यूशन की शक्ल में पूरी आलमी बिरादरी जो है एक पार्टी है, उसमें फरीक है। खुद हिंदुस्तान ने वादा किया, एक बार नहीं कई बार वादे किए, हत्ता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके पहले वजीर आजम थे, उन्होंने अपनी लोकसभा पे खड़े होके, अपने फ्लोर अपनी पार्लियामेंट पे खड़े होके ये कहा कि हम कश्मीरियों के साथ ये वादा करते हैं कि उन वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करेंगे और हम उनको ये हक देंगे। बिल्कुल ठीक। देखें, बात ये है कि सिर्फ इतना नहीं है, हमारे उनके साथ रिश्ते इस तरह के हैं कि पिछले साल पाँच अगस्त के बाद उन्होंने वादी कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील किया हुआ। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल का अमली नमूना जो है वादी कश्मीर है। बिल्कुल ऐसी। अब हालत यह है कि पिछले यानी 7 दहाइयों से 1,00,000 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके हैं, 15,000 से ज्यादा हमारी जो है हमारी जो माएं बहनें बेटियां उनकी अस्मत दरी हो चुकी, 12-13 हजार नौजवान जो है उनको घरों से उठाया गया। अंदाजा कर लें, आज वादी कश्मीर पाकिस्तान का नाम लेना जुर्म है, लेकिन जब यह है कि कोई शहीद होता है इस राह में
तो वो जो उसके उनके जब जनाजे उठते हैं तो उस वक्त भी ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है और पाकिस्तान के पर्चम में कफन के साथ चीमा साहब वो पाकिस्तान के पर्चम में लिपट के जाना फखर में आपने शहदा को पाकिस्तान के सब दिली पर्चम में वो दफन करके भारत को और पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता किस कदर लाफानी और लाजवाल है। बिल्कुल ठीक। देखिए हम कैसे ये है कि उनसे लातालुक रह सकते हैं, वो हमारी शारक है, हमारे भाई है, हमारा इस तरह का एक जिस्म का हिस्सा है। बिल्कुल। उनकी आजादी के लिए हमने हर हर कीमत में हमने अपना किरदार अदा करना है। ठीक है। लेकिन ये है कि हमारा मौकफ ये है, हमारी बहन का मौकफ भी यही है, मेरा मौकफ भी ये है कि ये सिर्फ मामला करारदादों ख्याल नहीं होगा। इसके लिए हमें अमली किरदार अदा करना बिल्कुल ठीक। चीमा साहब अमली किरदार के ऊपर भी बहस कर ले तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। मैडम मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, कश्मीर कमेटी की आप मेंबर भी हैं, और जिस तरह चीमा साहब भी फरमा रहे थे कि 7 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को एक क्लियर पैगाम दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, उसके बावजूद भारत जो है वो वहां पर वो अपना गासिबाना कब्जा कायम किए हुए है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, आप बतौर मेंबर कश्मीर कमेटी और मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करते हुए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में कश्मीर के लिए वो सब कुछ किया है जो इस वक्त की जरूरत थी कश्मीरियों के लिए करने की? देखें यकीनन वो सब कुछ तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ जरूर किया है। आप देखें ये इमरान खान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज आपके तमाम इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स में कश्मीर को डिस्कस किया जा रहा है, पिछले 20 साल में कहीं ऐसा नहीं नजर आता हमें। और जो कश्मीर कमेटी का किरदार भी अनफॉर्चुनेटली पिछली 2 दहाइयों या 1 दहाई से जो रहा है उसमें भी आप देखें कोई इतनी फाल नजर नहीं आती। अब एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तो जरूर वो इस बात को पूरी दुनिया के सामने भी रखा, कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसका नक्शा भी पेश किया। बट एज कश्मीर कमेटी मेंबर मैं ये समझती हूँ कि हम तमाम मेंबरान को इस उनके बर्डन को आगे हमने शेयर करना है। मैडम कथा कलामी की माजत, मुझे काइंडली बताएंगे कि अभी पिछले 2 साल में कश्मीर कमेटी ने कितने इजलास बुलाए हैं, या 2 सालों को छोड़ देते हैं, 5 अगस्त के बाद से लेकर अभी तक 1 साल होने वाला है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भारत ने खत्म किया और मुसलसल लॉकडाउन में तकरीबन 1 साल से कश्मीरी, तो इस 1 साल के पैच में कितने इजलास हुए? जब से मैं बनी हूँ, मैंने एक मोरक्को जाके फखर साहब की क्यादत में हम गए हैं, OIC की मीटिंग अटेंड की वहां पर। अगेन देखें बहुत ज्यादा इस चीज को मद्देनजर रखें कि इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली ये कोई ओवरनाइट हम एक जादू नहीं कर सकते, ये डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एस्टेब्लिश होते हैं। हमारे जितने भी जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, जहां जहां भी बाहर ममालिक में हैं, उनको ये ब्रीफिंग बहुत पहले दे देनी चाहिए थी कि कश्मीर का जहां मामला आता है आपने किस तरह का लियाजॉन करना है उनकी गवर्नमेंट्स के साथ, और ऐसे हालात बनानी है जहां पर यहां से डेलीगेशन जाए और उनके पार्लियामेंट्स में उनसे बात करे। बिल्कुल ठीक मैम, ये तो मेरा ख्याल है कि इज्तिमाई तौर पर इस वक्त मकसद ही यही था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम मुझे बताइएगा, डॉक्टर निसार चीमा साहब ने मेरे पिछले प्रोग्राम के अंदर ये जिक्र भी किया था कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का इत्तेफाक नहीं है शहरयार अफरीदी साहब के नाम के ऊपर, और जो सेशन में जिसमें जिस इजलास के अंदर उनको चेयरमैन बनाया भी गया उसके अंदर भी ऑपोजिशन का वॉकआउट था, और उसकी वजह भी ये थी कि ऑपोजिशन ये नहीं चाहती कि शहरयार अफरीदी साहब को इसका चेयरमैन बनाया जाए। तो पिछले प्रोग्राम के अंदर आपका कैंडिडेट प्रपोज किया था डॉक्टर निसार चीमा साहब ने ऑपोजिशन की जानिब से कि आपको चेयरमैन बनाया जाए, आप कश्मीर की सही तर्जुमानी कर सकती हैं शहरयार अफरीदी से बेहतर, तो अगर ऑपोजिशन को इख्तलाफ है शहरयार अफरीदी साहब के ऊपर तो आपको नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट चेंज कर दे उनको, आपको बना दें, या और किसी शख्स को जिसके ऊपर दोनों का इत्तेफाक हो उसको बना दें? का डिसीजन है ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, पार्टी चेयरमैन का डिसीजन है, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ये चेयरमैन बनते हैं, तो ये तो अब उनका डिसीजन है, हम उनको वीटो नहीं कर सकती ना मैं कभी कह सकती हूँ। वो बेहतर समझते हैं अगर उनका ये ख्याल है कि शहरयार अफरीदी साहब इस कमेटी के चेयरमैन को करके इसको फाल बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं, तो आई एम श्योर वो करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो उन्होंने कहा जी शहरयार अफरीदी साहब भी चूंकि पार्टी का डिसीजन है तो वही चेयरमैन रहेंगे, मुझे ये बताइएगा कि कोई अब दोबारा को रबता हुआ है कश्मीर कमेटी के इजलास के हवाले से? सेकेंडली आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट
पार्लियामेंट ने और कश्मीर कमेटी ने गुज़िश्ता एक साल के अंदर जो कश्मीरियों के हवाले से अपना किरदार अदा करना था, जो लाजवाल कुर्बानियां कश्मीरियों की, उसका जो उसके काउंटर में गवर्नमेंट को जो करना था उनके लिए, उन कश्मीरियों के लिए, उन शहदा के लिए, वो गवर्नमेंट कर रही है ठीक से? कश्मीर कमेटी कर रही है ठीक से? देखिए, एक तो पहली गुजारिश ये है कि वो जो चेयरमैनशिप का मामला था वो तो हमने अपना मौका पेश किया, वो पहली मीटिंग में भी पेश किया, और लेकिन ये है कि अगर वो हुकूमत ने नहीं माना, और हुकूमत की बहर यह है कि ये डिस्क्रिशन है उनको, यानी प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी है, और हर दौर में फिर प्राइम मिनिस्टर की मर्जी थी चेयरमैन मुंतखब होते रहे हैं। तो ये है कि हमने तो अपना नुकता नजर पेश कर दिया, लेकिन यह है कि हम इसको सिर्फ इस बुनियाद पे, अब यह कि हमने कोई मसला नहीं, तनाजा नहीं खड़ा करना, या कि एक यानी अफराद जो है वो उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो काज है, वो जो है असल जो है वो ये है कि कश्मीर के काज के लिए, तहरीक आजादी कश्मीर के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है, पूरी कश्मीर कमेटी ने किरदार अदा करना है। कल मीटिंग हुई है, ये कि ये आफरीदी साहब के जो है वो चेयरमैन बनने के बाद पहली मीटिंग थी जो कल हुई है कश्मीर कमेटी की। जी बिल्कुल ठीक। उसमें वजीर खारजा साहब ने भी काफी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी, आजाद कश्मीर के वजीर आजम साहब भी तशरीफ लाए हुए थे, और वहाँ भी हमने तो ये बात की जी, यानी ये है कि ये अगर ये भी रिजर्वेशन हमने इसका इजहार किया, और सारे मेम्बरान इसमें मुतफिक थे कि इन हालात में हिंदुस्तान को ये सहूलत नहीं दी जानी चाहिए कि वो अफगानिस्तान के लिए उसको ये ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी दी जाए, लेकिन वजीर खारजा ने उसकी वजाहत की कि हम हिंदुस्तान से कोई माल वहाँ नहीं जाएगा, हमने जो सहूलत दी है वो अफगानिस्तान को तरफा होगा ट्रेड होगी, और ये कि हिंदुस्तान को ये सहूलत नहीं दी जा रही। दूसरी बात जो है हमने ये बात की कि देखें ये सफीरों को सेंसिटाइज करना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तानी सफीरों को बाहर जो यहाँ तैनात है इस्लामाबाद में गैर मुल्क सफीर उनको भी सेंसिटाइज एजुकेट करना बहुत जरूरी है, अपने वफूद भेजना जो है बड़ा जरूरी है पूरी दुनिया के अहम कैपिटल्स में। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें देखे दुनिया को बावर करवाना चाहिए कि अगर सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानों की तहरीक आजादी, मुसल्ला तहरीक आजादी, आम स्ट्रगल अगर जायज थी तो ये भी कश्मीरियों की आम स्ट्रगल जो है वो जो ऑक्यूपेशन के खिलाफ वो भी बिल्कुल जायज है। अगर अफगान हुर्रियत पसंद जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे जिनकी मदद के लिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया आई, ये तो यूएन चार्टर कहते हैं, ये तो यूएन चार्टर कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यही रास्ता है जो कश्मीर की आजादी की मंजिल की तरफ लेके जाएगा। मैंने कहा कि देखें अगर उनकी जो अफगान फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी मुसल्ला जदोजहद आजादी की मदद करना जायज था, तो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की मदद करना भी जायज है, आम स्ट्रगल की मदद करना बिल्कुल जायज है, दुनिया उनकी मदद के लिए आए या ना आए, पाकिस्तान अपने इस फर्ज से गाफिल नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक, हमें दुनिया को बिल्कुल ये बावर करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें आजाद कश्मीर को हमें बेस कैंप बनाना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नौरीन फारूक इब्राहिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, आज एक मतलब फिर आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया के कश्मीरी और मुसलमान पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इलाक का दिन मना रहे हैं, और एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 4.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं इस कॉज के लिए, और वो कॉज ये है कि कश्मीरियों की आवाज ये है कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। कश्मीर के अंदर जितनी आबादी भारत के साथ इल्हाक चाहती है उससे ज्यादा कश्मीरी इस कॉज के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं शहादतें दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया खामोश है और शायद पाकिस्तान सही तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा। उसके रास्ते में जो हर्डल्स हैं, पाकिस्तान को यकीनी तौर पर ये यकीनी बनाना चाहिए कि उन हर्डल्स को मिटाकर इस चीज को यकीनी बनाए कि कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादा दिया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ेंगे। कि नजरिएगा, स्टे विद अस।